So I thought I should go there and give it that phone to her and say thanks in personally by face to face. Because when I needed her, she gave me her phone. I didn't have any contact with her family. Thank you Nigar for giving me your phone and having a trust. क्योंकि आजकल के ज़माने में कोई किसी को trust नहीं करता और ऐसे when you ask a phone for ask a phone from them या ask anything precious or expensive from them वो आपको मना कर देते हैं but she is very kind, she gave it to me. Thank you Nigar once again. अभी मैं तुम्हारा phone वापस करने आ रही हूँ. बस में चढ़ गई हूँ मैं. शायद 5:30-6 बजे तक दिल्ली पहुँच जाऊँगी. अभी 4 बज रहे हैं. 5:30 तो नहीं, 6:30 बजे 6:30-6 बजे मैं दिल्ली पहुँच जाऊँगी. उसके बाद देखते हैं, अगर दिल्ली में रुकना होगा तो रुकूँगी, नहीं तो मैं वापस आ जाऊँगी. जैसे सफ़र क्या हम मज़ा आ रहा है उस चीज़ का लुत्फ, हम जाते हुए रास्ते में चीज़ों को देखते हैं, पेड़ पौधे लाइक एवरीथिंग, बिल्डिंग सो, चाहे वो नेचर हो या मैन मेड थिंग्स हो, कुछ भी हो लाइक, जैसे हम जाते हैं तो हम उन चीज़ों को एडोर करते हैं, हमें अच्छा लगता है, वो चीज़ें प्यारी लगती है, एक वाइब सी आती है. लेकिन मैं अभी तक वो चीज़ नहीं कर पाई, लेकिन हाँ कुछ वीडियोग्राफर्स है या ब्लॉगर्स है जो सिनेमाटोग्राफी करते हैं, वो उस वीडियो में या उस फोटो में चाहे जो भी उसमें जान लाते हैं. मैं वो करने की कोशिश करती हूँ कि मेरे से भी हो लाइक ये फुल एक वाइबल वाली वीडियो, जो चीज़ें मैं देख के महसूस करती हूँ वो वीडियो में कैमरा में रिकॉर्ड करके भी हो वही चीज़ आप तक लोग आप लोगों तक पहुँचाओ. मैं सोचती हूँ बट वी कांट, आई थिंक सो वी कांट कैप्चर मोमेंट, बट वी कैन कैप्चर अ मेमोरी इन अ फोटो और इन वीडियो, बट वी कांट कैप्चर अ वाइब आई थिंक सो इन अ फोटो और इन अ वीडियो. वो चीज़ मेरे हिसाब से शायद पता नहीं है, समझ ही नहीं आता मेरे को. पता नहीं आज का ये जो मेरा सफ़र है बहुत ही लंबा होते जा रहा है. अभी तक तो मेरे को पहुंच जाना चाहिए था बहुत आरामी से, जैसे मैंने बोला था मैं 7 बजे तक पहुंच जाऊंगी. इट्स 7:30 ऑलरेडी हो चुका है और अभी तक मैं नहीं पहुंची हूँ. अभी भी रास्ते में हूँ नोएडा, बस नोएडा क्रॉस ही कर रही हूँ, जस्ट सोचो नोएडा ही क्रॉस कर रही हूँ अभी, फिर मैं डायरेक्ट मेट्रो से ही ट्रैवल करूँगी, डायरेक्ट गुड़गांव के लिए निकलूँगी. मैं जो निगार को मैंने कॉल कर दिया कि वो मेरे को दिल्ली हाथ आने पे मिले, मैं वहाँ पे उसको उसका फ़ोन लूँगी, उसके बाद मैं डायरेक्ट वहाँ से गुड़गांव के लिए निकलूँगी. नहीं सोच रखा और बीच में देखते हैं क्या होता है.
किस्मत ही फूटी है यार फ्रेंड्स. एक्चुअली मेरे को प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जाना था. मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 से मेट्रो में चढ़ गई. मैं वापस उल्टी तरफ आई मयूर विहार एक स्टेशन आगे. अभी तो जल्दी से मेरे को होश आ गया तो मैं उतर गई. अब यहाँ से मेरे को जाना है, मेरे को ये वहाँ छोड़ेगी मजिस पार्क. क्या बोलते हैं उसे, मेडिकल की शॉप नहीं है यहाँ पे. और